नमस्कार दोस्तों, सरकारी सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ मतलब असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है उसकी पूरी जानकारी लेंगे। और असिस्टेंट कमांडेंट प्रिपरेशन सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको वो सब चीजें बताऊंगा जो आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करने से पहले पता होनी चाहिए। यूपीएससी सीएपीएफ एक ऐसी एग्जाम है जिसकी कैंडिडेट्स में अवेयरनेस थोड़ी कम है और उसके लिए एग्जैक्ट किस तरीके से प्रिपरेशन करना ये सबको पता नहीं होता, तो यही हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों वीडियो एंड तक देखना क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है वो आपको इंटरनेट पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। दोस्तों इंस्टाग्राम की उम्र हमारे जीके क्वेश्चंस की रीच बहुत बढ़ चुकी है और डेली जीके क्वेश्चंस की वहां प्रैक्टिस भी होती है, तो अभी तक अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया होगा तो आज ही फॉलो करना क्योंकि 2019 में बहुत सारी नई चीजें भी वहां पर आने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूपीएससी सीएपीएफ एग्जैक्टली है क्या। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जो ये एग्जाम है इसमें से असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट की रिक्रूटमेंट होती है और असिस्टेंट कमांडेंट ये पोस्ट डीएसपी और एसीपी के इक्विवेलेंट है। सीएपीएफ से 5 मेजर फोर्सेस की रिक्रूटमेंट होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों ये पोस्ट ग्रुप ए गैजेटेड है और ये सारी फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ये सब बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यूपीएससी सीएपीएफ ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। सीएपीएफ ये एक सिविल सर्विसेज और डिफेंस फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड डिफेंस फोर्सेस इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इस हर फोर्स के अंदर आपको इतनी डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि एग्जैक्टली इनका काम क्या होता है। हम सारे फोर्सेस का सीक्वेंस में देखेंगे। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी का काम होता है गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्शन देना, उसके साथ साथ एटॉमिक पावर प्लांट, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और एयरपोर्ट सिक्योरिटी भी सीआईएसएफ के अंडर ही आती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मेन काम होता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर। सशस्त्र सीमा बल आपको नेपाल बॉर्डर के ऊपर मिलेगी। आईटीबीपी मतलब इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस चाइना बॉर्डर के ऊपर। और सीआरपीएफ का मेजर काम होता है नक्सल एरियाज में और ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो जाता है तो वो हैंडल करने का काम होता है सीआरपीएफ का। तो सीआरपीएफ की एक स्पेशल फोर्स भी है रैपिड एक्शन फोर्स, तो इसमें भी बहुत सारी डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज होती है। मैंने आपको सिर्फ एक एक दो दो एग्जांपल्स बताए। दोस्तों बॉर्डर सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि बॉर्डर पे तो आर्मी पोस्टेड होती है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि जब पीस टाइम होता है तब बॉर्डर के ऊपर ये सारी फोर्सेस होती है और जब वार टाइम होता है तब इन फोर्सेस को रिप्लेस करती है आर्मी और फिर बैक एंड पर आ जाते हैं ये फोर्सेस। एक्चुअली पीस टाइम हो या वार टाइम हो ये दोनों फोर्सेस कोऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं और उनका हर ऑपरेशन दोनों के साथ मिलकर ही होता है। दोस्तों मेरे दो सीनियर फ्रेंड्स ने ये एग्जाम क्लियर करी है और एक प्लेस है एयरपोर्ट सिक्योरिटी में और दूसरा ऑयल रिफाइनरी के प्रोटेक्शन में जो है आसाम में। तो उनसे मैं जब इंफॉर्मेशन लेता हूं तो बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है। और आप इसमें से कोई भी अगर फोर्स देखोगे तो सिविल सर्विसेज और डिफेंस फोर्सेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको मिलेगा। होपफुली इन सारे फोर्सेस की इंफॉर्मेशन आपको मोटिवेशनल लगी होगी। दोस्तों अब शुरू करेंगे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर मैं आपको यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम के बारे में 6 क्रूशियल पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको स्ट्रेटजी फॉलो करने से पहले पता होनी ही चाहिए। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों मैं आपको रिटन एग्जाम का कुछ पैटर्न बताऊंगा। आपको यहां पर दो पेपर मिलेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होगा वो होता है आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए और पेपर 2 से टेस्ट होता है आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आप करंट इवेंट्स के ऊपर किस तरीके से स्टैंड लेते हो, आपको उस इवेंट के बारे में प्रोज एंड कॉन सब कुछ पता है या नहीं, ये सब देखा जाता है। पेपर 1 में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और इस एग्जाम के पेपर 1 का सिलेबस आपको सीडीएस एग्जाम के सिमिलर ही मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस। सिर्फ यहाँ पर एक नया टॉपिक आपको दिखेगा वो है जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी कुछ दिखेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप पेपर 2 के बारे में बात करेंगे तो आपको डिटेल में आंसर्स लिखने होते हैं। इस पेपर 2 में आपको 4 एसेज लिखने होते हैं, उसके साथ साथ प्रीसाइज राइटिंग, आर्ग्यूमेंट्स, कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश ग्रामर का भी कुछ पोर्शन होता है। दोस्तों ये सब हम डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज जाननी होगी कि जनरल जो
पैटर्न होता है जनरल स्टडीज का वो आपको पेपर वन में दिखेगा, लेकिन जो पेपर टू है वो कम्प्लीटली रिटन एग्जाम है और जिसमें आपको करंट अफेयर्स के ऊपर अपने व्यूज भी रखने होते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यहाँ पर टेस्ट की जाती है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पर समझना है। पॉइंट नंबर टू, अगर आपने रिटन एग्जामिनेशन मतलब फर्स्ट स्टेज बहुत अच्छी तरीके से अगर क्लियर कर लिया तो आपकी एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी 95% होती है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। अगर आप सीडीएस के रिटन एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से स्कोर भी करते हो और अगर आप एसएसबी इंटरव्यू में फेल हो गए तो डेफिनेटली आप पूरे एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हो। लेकिन इस एग्जाम में आपको एसएसबी इंटरव्यू नहीं होता, रिटन एग्जाम के बाद आपको दो टेस्ट होती है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। दोस्तों फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होती है वो प्योरली क्वालिफाइंग होती है, मतलब वहां पर ऐसा नहीं होगा कि 100 लोग आएंगे और 100 में से सिर्फ 30 ही सिलेक्ट हो जाएंगे। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर आपने वो क्राइटेरिया फुलफिल किए तो आप डेफिनेटली वो पास कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको 100 मीटर की रेस 16 सेकेंड्स में कंप्लीट करनी होती है और 3.5 मीटर की लॉन्ग जंप लगानी होती है। तो ऐसे आपको क्राइटेरिया दिए जाएंगे जो आपको 2-3 महीने के प्रैक्टिस से वो फुलफिल कर सकते हो। और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बाद होती है पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू। अगर अनफॉर्चुनेटली आप पर्सनल इंटरव्यू में अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनाते समय आपकी रिटन एग्जाम के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स इन दोनों की एडिशन कंसीडर की जाती है। रिटन एग्जाम टोटल होती है 450 मार्क्स की और इंटरव्यू होता है 150 मार्क्स का। तो इस केस में अगर आपने रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया और इंटरव्यू में अगर आप 60 मार्क्स ही लेकर आए तो भी आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। और दोस्तों ये कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, आप कोई भी मेरिट लिस्ट उठाकर देख लो, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे जिनका इंटरव्यू का स्कोर बहुत ही कम था लेकिन उसके बावजूद भी वो टॉप 50 या फिर टॉप 20 में आए। तो इस पॉइंट से आपको ये ध्यान में रखना होगा कि रिटन एग्जाम इज मैच चेंजर। पॉइंट नंबर 3, द हिंदू इज इक्वल टू पेपर 2। CAPF के पेपर 2 की प्रिपरेशन करने के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप हिंदू नहीं पढ़ोगे तो आप एग्जाम का फॉर्म भी नहीं भरोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हिंदू के सिवाय आप पेपर 2 क्लियर कर ही नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों जो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस होते हैं या फिर एसे राइटिंग या फिर आर्ग्यूमेंट राइटिंग जहां पर आपको आपके व्यूज देने होते हैं या फिर प्रोज एंड कॉन्स, तो ये सब एनालिसिस आपका हिंदू पेपर पढ़ के ही होगा। और सिर्फ हिंदू पेपर ही क्यों, क्योंकि दोस्तों हिंदू पेपर में आपको एंटी गवर्नमेंट के भी बहुत आर्टिकल दिखेंगे जहां पर गवर्नमेंट के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जाता है, और हर गवर्नमेंट के पॉलिसी या फिर हर इशू के ऊपर आपके प्रोज एंड कॉन्स ये आप अच्छी तरीके से लिख पाओगे और उसके बाद आपका खुद का ओपिनियन भी बना पाओगे। अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो हिंदू पेपर में आपको पूरे हफ्ते भर उन्हीं इवेंट्स के बारे में न्यूज मिलती है और अलग अलग एडिटर उनके अलग अलग थिंकिंग से वो आर्टिकल लिखता है, तो इससे हमारी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप होने में बहुत फायदा होता है। नए ईयर का आपका रिजोल्यूशन यही होना चाहिए कि आप हिंदू पेपर रीडिंग स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 4, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स विल इंक्रीज द कट ऑफ। दोस्तों ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए एक प्रैक्टिस ग्राउंड मतलब CAPF की एग्जाम होती है। ऑलमोस्ट हर सिविल सर्विस एस्पिरेंट प्रैक्टिस के लिए तो CAPF की एग्जाम देता ही है, जिससे कट ऑफ तो बढ़ने ही वाला है और कॉम्पिटिशन हमेशा हाई ही रहेगी। तो दोस्तों प्रिपेरेशन ये चीज ध्यान में रख के करना कि आपकी कॉम्पिटिशन एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट से है और उस हिसाब से अगर आप प्रिपेरेशन करोगे तो ही आप इनिशियल कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। और एक बार आपकी रिटन एग्जाम क्लियर होती है तो उसके बाद तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि मैंने ऐसे भी बहुत सारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट देखे हैं जिन्होंने रिटन एग्जाम क्लियर होने के बावजूद भी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि उसके बाद उनकी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आपके लिए बिगेस्ट हर्डल है रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों अगर कोई हिंदी मीडियम का कैंडिडेट ये वीडियो देख रहा होगा तो ये चीज समझ लेना कि CAPF एग्जाम आपके लिए जन्नत है, क्योंकि हर स्टेज आप हिंदी में ही क्लियर कर सकते हो। रिटन एग्जाम का पेपर 1 हिंदी में भी होगा और पेपर 2 का भी मेजर पोर्शन मतलब एसेज आप हिंदी में लिख सकते हो, सिर्फ कुछ कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट और कुछ आर्ग्यूमेंट का पार्ट आपको इंग्लिश में लिखना होता है। उसके बाद जो इंटरव्यू होता है वो भी आप कंप्लीटली हिंदी में भी दे सकते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा और आप हिंदी में अच्छी तरीके से एक्सप्रेस भी कर पाओगे। तो आप इस एग्जाम के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना। दोस्तों यहाँ पर होता है हमारा वीडियो खत्म और आने वाले पार्ट में हम CAPF के पेपर 1 की बहुत डिटेल में स्ट्रेटजी देखेंगे, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट बुक्स भी बताऊंगा और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा। ये पूरी सीरीज हम 4-5 वीडियो में ही कंप्लीट कर देंगे, अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको अगर डेस्परेटली ये चीज चाहिए होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, हम बहुत ही जल्दी सारे वीडियोस कंप्लीट कर देंगे। और दोस्तों अगर आपको जेन्युइनली वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है यार, क्योंकि वो ही एक चीज होती है जो मुझे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करती है। तो चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।